देखो बच्चों, मिसलिनियस पेज नंबर 242, मिसलिनियस पेज नंबर 242, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ आप। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आवाज नहीं आए तो मुझे बीच में बोल देना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा, बताओ, निकाल के दिखाओ इसका एफ डैश एक्स क्या होगा। चलो मैं ही करता हूँ, आप दोबारा करेंगे इसको। एक्स इंटू डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, एक्स यहाँ पर एजेटिव रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हाँ माइनस लॉग एक्स पर एजेटिव रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक्स एक्स को कैंसिल कर देंगे, या आ गया वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया तो क्या हो गया, वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। बच्चों वन को आप लिख सकते हो लॉग ई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू ई हो गई। अंकित आप भी समझ सकते हो, आप भी समझ सकते हो ये, ठीक है। हाँ इसको तो यहाँ से log x इज इक्वल टू लॉग ई आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ई बन गई, ठीक है बच्चों। इसका हाँ अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, f डबल डैश x निकालो, f डबल डैश x निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो माइनस वन बाई एक्स, जीरो माइनस लिखो मत बच्चों, मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेज दूंगा, या साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। क्या आ गया, माइनस माइनस क्या करेंगे हम, माइनस हो जाएगा दिस इज वन माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स, वन माइनस लॉग एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, इसको इससे कट कर देंगे तो ये एक्स हो गया, एक्स माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स ये आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, एक्स फोर, थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस टू इंटू वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। मेनली समझने पे ध्यान देना बच्चों, लिखने पे कम क्या, एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया, ठीक है, एक्स को कॉमन लिया तो ये हो गया वन माइनस टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स फोर था ना, एक्स फोर था, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया वन माइनस, इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो देखो माइनस टू हो जाएगा प्लस में टू लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो गया टू लॉग एक्स, टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, सॉरी ये डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब f डबल डैश x की वैल्यू अगर आप e पे चेक करेंगे, f डबल डैश e क्या आएगा, f डबल डैश e आएगा यहाँ से 2 log e माइनस 1 अपॉन e क्यूब, log e होता है बच्चों 1, तो ये होगा 2 माइनस 1 अपॉन e क्यूब, 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन e क्यूब, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। e की वैल्यू पॉजिटिव होती है, e का क्यूब करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, बट कुछ गलत आ गया, मिनिमम आना चाहिए था, मैक्सिमम क्यों आ गया। क्या बेटा, क्या एक्स कॉमन लिया था, चेक करो कहाँ मिस्टेक हुआ, वन माइनस लॉग ही था, वन माइनस एक्स तो ही आ गया, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो डॉमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया वन माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या टू एक्स, वन माइनस लॉग एक्स एज इट इज, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर आया मिस्टेक, ये माइनस था, इस एक्स स्क्वायर को इससे काटेंगे तो यहाँ माइनस एक्स बचेगा, या माइनस एक्स बचेगा तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस वन होगा, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये माइनस का थ्री बन जाएगा,
माइनस का थ्री, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ यहाँ भी टू माइनस थ्री, तो माइनस तीस आएगा बच्चों, तो ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज fx has मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर, इस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अंकित, अंकित अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? सर मैंने देखो, चलो आगे। सर सर log e is equal to log x, log e is equal to log 1, नहीं log e is equal to 1, अच्छा log e is equal to 1। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, कैसी ट्राइंगल है आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी, बेस इनका बेस फिक्स है, बेस इनका फिक्स है, ठीक है। और ये इक्वल साइड क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये हमने इक्वल साइड को एक्स एक्स अज्यूम कर लिया, राइट, और बेस क्या है, बी है, बेस बी है, राइट, अच्छा ये क्या कह रहा है कि दोनों साइड डिक्रीज कर रही है, दोनों साइड डिक्रीज कर रही है एट रेट ऑफ, तो इस साइड का जो रेट ऑफ एक्स डिक्रीज होगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वो हमें दिया है 3 cm/s, 3 cm/s, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस, और ये हमने 3 cm/s दिया है, ठीक है, rate of decrease of this side, तो वो dx by dt हो गया, dx by dt हमें कितना दिया है, 3 cm/s, ठीक है। how fast is the area, area किस rate से decrease होगा वो find करना है बच्चों, ये isosceles triangle है, यहाँ से अगर perpendicular drop करोगे, ये हमने perpendicular drop कर दिया, समझने पे ध्यान देना बच्चों, लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप मैं भेज दूँगा, ये perpendicular drop कर दिया, अच्छा तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स में, तो ये बी है, ये बी बाई टू बचेगा, ये भी बी बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओ, ए बी सी पे पाइथागोरस लगाओगे तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, बच्चों कहां थे हम, हाँ आपने ये पाइप लगाया तो आपके पास एडी कितना आ गया, एडी कितना आ गया,
AD square आपके पास आ गया, x square minus ये b by 2 है, ये कितना है x square minus BD कितना है b by 2, तो b square by 4 हो जाएगा ये, तो AD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4x square minus b square upon 2 आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? अच्छा चलो नहीं होगी। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इस ट्रायंगल का हमारा बी है, बी इनटू हाइट कितना है, हाइट हमारा यहाँ ये आ गया 4x square माइनस बी स्क्र अंडर रूट अपॉन 2, दिस इज व्हाट बी बाई 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4x square माइनस बी स्क्र, राइट राइट, एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा, हमारी साइड्स डिक्रीज कर रही हैं, ये एक साइड डिक्रीज कर रही है और उसके साथ एरिया भी डिक्रीज कर रहा है। तो dA by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा बच्चों, b/4, ये b/4 एज इट इज रहेगा क्योंकि b कांस्टेंट है। डेरिवेटिव हम सिर्फ इस टर्म का करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर एक कम हो जाएगी, 4x square माइनस बी स्क्र, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, इन टू में पावर का, पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 8x हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और आई थिंक ये अगर b/4 ये भी 8 था तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया, ये आ गया हमारे पास b into x into अंडर रूट 4x square minus b square। जान आप बोलो दिव्य, ये अनिरुद्ध क्या कर रहा है जान? बोल रहे कि जो आपने वो किया, जो आपने ये डीए बाय डीटी निकाला, हाँ उसमें जो होल्ड रूट ऊपर ही होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। अच्छा ये नीचे होना चाहिए, गुड 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 गुड, शाबाश, ये यहाँ गलती होगी, ये नीचे होना चाहिए था, 1/4 होना चाहिए था ना, ये 1/4 होना चाहिए था, 1/4 करो इसको, 1/4 करो बच्चों, 1/4 करो बच्चे इसको, हाँ ये नीचे आएगा इनटू में 8x, 8 तो कट गया, चलो ये तो ये बचा b/ अंडर रूट bx अपॉन अंडर रूट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वैसे ना, 4x square माइनस बी स्क्र, ठीक है ठीक है चलो ये आ गया। अच्छा ये कट गया था, ये b था और ये x था, ठीक है। अच्छा अब बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो आपको फाइंड करना है dA by dt फाइंड करना है। dA by dt आपको कब फाइंड करना है, व्हेन इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, एक आपकी ये जो इक्वल साइड्स थी x, ये बेस के बराबर हो जाए, मतलब इक्वल टू b हो जाए, तो f को x इज इक्वल टू b डाल देना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू बी यहाँ डालेंगे तो ये हो गया ऊपर बी स्क्वेयर, नीचे कितना हो जाएगा 4b square माइनस बी स्क्वेयर 3b square आ जाएगा, तो ये कितना हो गया बी स्क्वेयर अपॉन रूट 3b, तो ये कट हो गया यहाँ से b upon root 3। एक बार आंसर देखने को, देखो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ही है, बी अपॉन रूट थ्री आ रहा है ना हमारा ये। अच्छा बच्चों एक चीज और, जैसे हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो एक्स का डेरिवेटिव इनटू डीएक्स बाय डीटी भी आएगा यहाँ पर, इनटू यहाँ पर डीएक्स बाय डीटी भी आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, इंटू डी एक्स बाई डी टी भी आएगा, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है बच्चों 3 दी हुई है, तो इंटू यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है यहाँ भी इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, इस रूट 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो आपका आ जाएगा रूट 3 बी,
रूट थ्री बी आ जाएगा आंसर। आया कैसे क्या बेटा? जब हमने एक एरिया को डिफरेंशिएट किया, तो हमने लिखा डी ए बाई डी टी, तो हमने हमारा डेरिवेटिव आया था बी बाई फोर अपॉन में टू इंटू फोर बी फोर एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र, ये किया था ना हमने, इंटू में जो पावर के अंडर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव किया था, फोर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव किया था, फोर एक्स स्क्र का हो गया एट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, फोर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, वो हमने छोड़ दिया था। अंकित आपको समझ आया ये? जब x का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव जैसे हमने 4x स्क्वायर का किया, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो वो हो गया 8x। अब डेरिवेटिव क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर रहे ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट dx / dt भी आएगा, और dx / dt की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी हुई थी वो डाली, जिसको सिंपलीफाई करके फिर रूट से 3 भी आएगा।